हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज हम लेकर आए गुड न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, ये गुड न्यूज़ है आपकी एक नए रिजल्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कैसे आपको रिजल्ट चेक करना है, क्या क्या आपको स्टेप लेने हैं और कैसे आपको जो है आपके रिजल्ट मिलेगा और कैसे आपको कट ऑफ पता कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने स्मार्ट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट न्यूज़ चैनल पर आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है और जब भी हम कोई नई अपडेट लाते हैं उसका नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले जो है हमारे चैनल स्मार्ट न्यूज़ चैनल पे मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अभी इस वीडियो को। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम। जी हाँ दोस्तों, विशाखापट्टनम यानी कि जो आपका जो ट्रेनिंग का जो आपका हुआ था उसका जो है आपका रिजल्ट जारी कर दिया। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर ट्रेनी एंड OCM ट्रेनी अगेंस्ट डायरेक्ट जो रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर है 04/2019 अलोंग विथ मार्क्स ऑब्टेन इन ऑनलाइन टेस्ट। तो जो आपका जो टेस्ट हुआ था ऑनलाइन उसके अंदर आपने कितने मार्क्स लिए हैं और आपका जो है यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ। तो फर्स्ट अपने यहाँ पे देख सकते हैं सीरियल नंबर जो है आपका दिया है 1 और उसके बाद देखिए इनका नाम दिया हुआ है विपिन कुमार, जो केमिकल डिसिप्लिन से हैं, OBC में कैटेगरी में NCL DP NDP में देखिए NDP है और जो सेलेक्ट हुए या अनरिजर्व कैटेगरी में और जो इनका मार्क्स आया है वो आया है 110। जी हाँ दोस्तों, आउट ऑफ 150 में से तो इस समय टॉप पे हैं। उसके बाद देखें तो आशीष कुमार मोंती हैं, केमिकल से ही हैं, EWS कैटेगरी में इनका नंबर आया 109। उसके बाद देखें किलानी भानु प्रकाश हैं, OBC से, इनका नंबर आया 107। तो इसी प्रकार आप पूरा रिजल्ट चेक कर सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार देखिए स्क्रॉल कीजिए, टोटल 11 पेज का ये जो है PDF फाइल है, आप भी इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाके जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं ये कैसे नंबर्स देखिए ऊपर नीचे हो रहे हैं। EWS में देख लीजिए यहाँ पे 85 है, यहाँ पे देख लीजिए रिजल्ट में 104 100। तो ओवरऑल अगर आप देखें कट ऑफ तो 110 के अंदर ही है टोटल दोस्तों, और ये 150 नंबर का आपका जो पेपर हुआ था। और उन सभी बच्चों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं दिवाली की और साथ में दोस्तों आपका सिलेक्शन हो गया, इसके लिए भी आपको बहुत ही बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों साथ जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। साथ ही दोस्तों मैं चीज़ आपको और बता दूं दोस्तों कि आपको जो है मेडिकल के लिए, जी हाँ दोस्तों मेडिकल के लिए जो फॉर्मेट लेके जाना होगा वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम 530031 जो है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट सेक्शन, मेडिकल एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर ट्रेनी एंड OCM ट्रेनी अगेंस्ट रिक्रूटमेंट नंबर 04/2019 के जो, तो यानी कि जो आपको मेडिकल का जो फॉर्मेट है वो ये आपको यहाँ से लेना होगा दोस्तों। ये मैंने आपको डाउनलोड करके दिया ऑफिशियल वेबसाइट पे, आप विजिट करके वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ टाइम एंड वेन्यू फॉर सर्टिफिकेशन वेरिफिकेशन, रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे है सुबह, वेन्यू है टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विशाखापट्टनम स्टील प्लांट। टाइम एंड वेन्यू फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन देखिए रिपोर्टिंग टाइम 8 AM है सॉरी, विशाखा स्टील जनरल हॉस्पिटल सेक्टर 6 उकनगरम। तो ये दोनों आपको दिया गया है, देखिए ये जो सर्टिफिकेशन के लिए है और ये आपका मेडिकल के लिए है। तो ये दोनों वेन्यू आपको देख लेना है, उसको आप मैं कहूँगा कि आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर इसका PDF जो है आप प्रिंट आउट ले लीजिए, इसका बहुत अच्छा होगा। आप दिखिए नंबर 2 पे क्या क्या चीज़ें आपको कैरी करनी है, तो नंबर 2 पे देखिए कैंडिडेट शुड ब्रिंग द फॉलोइंग विल कमिंग विद द सर्टिफिकेशन के लिए, तो आपको क्या क्या लिए, बायोडाटा फॉर्म फुल्ली फिल्ड एंड साइन, आपको जो फॉर्मेट है वो विजाक्स वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको उसी फॉर्मेट में अपने बायोडाटा फिलअप करना है। 2 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए दोस्तों ब्लू बैकग्राउंड के साथ, पीछे का जो बैकग्राउंड है वो ब्लू होना चाहिए। कॉपी ऑफ TJT या OCM ट्रेनी ऑनलाइन टेस्ट रजिस्ट्रेशन स्लिप, आपने फॉर्म भरते समय जो आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप है वो लेकर जाना है आपको। नंबर 4 की बात करें तो ऑरिजिनल मेट्रिकुलेशन सेकेंडरी यानी कि आपको 10वीं 12वीं का जो मार्कशीट है वो लेकर जाना होगा, कॉलेज का जो सर्टिफिकेट है वो लेकर जाना होगा, असिस्टेड जो है सेल्फ अटेस्टेड यानी खुद को साइन करके आप जो उसका जेरोक्स कॉपी भी ले जा सकते हैं, लेकिन आपको ओरिजिनल जरूर लेके जाना दोस्तों, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नंबर 5 की बात करें तो ITI डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो आपके पास है फुल फाइनल का मार्कशीट के साथ, जी हाँ दोस्तों सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी चाहिए। SC ST EWS सर्टिफिकेट जिसमें आपने अप्लाई किया है वो सभी लेके जाना है। OBC कैंडिडेट्स ध्यान दीजिए कि आपको नॉन क्रीमी लेयर वाला सर्टिफिकेट जो है प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट इश्यूड नॉन अर्लियर देन 1 ईयर बिकॉज बाय द कंपनेंट अथॉरिटी, यानी कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र OBC वालों का वो 1 साल से जो पुराना ना होना चाहिए वो भी आपको लेके जाना है। फोटो अटेस्टेशन फॉर द कास्ट सर्टिफिकेशन OBC इज ड्यूली साइन बाय द गैजेट ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, तो आपका जो फॉर्मेट है वो भी देखिए वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप सब कुछ मैच कर लीजिएगा दोस्तों मैं आपसे कहूँगा, और तभी लेके जाइएगा क्योंकि वहाँ पर आपको काफ़ी जो है स्ट्रिक्टली जो है फॉलो करते हैं वो सब रूल्स। आर कार्ड एंड इट्स रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इन केस द कैंडिडेट इज डिस्प्लेस पर्सन ODP विशाखापट्टनम स्टील पर, इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट प्रोफेंसी ट्रेड सर्टिफिकेट विद द परसेंटेज ऑफ मार्क्स दिस मार्क बुक ओरिजिनल इशूड बाय द कंपनी अथॉरिटी एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी देयरफॉर।
तो यहाँ पे आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी चलेगी दोस्तों, चाहे एक्स सर्विसमैन के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी आपको लगेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयर, अगर कहीं आप काम करते हैं तो वहाँ से, ओरिजिनल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटो कापी देयर फॉर, ओरिजिनल परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पान कार्ड, आल्सो सेल्फ अटेस्टेड फोटो कापी देयर फॉर। तो ये सारी चीज़ें आपको साथ में लेके जाएं दोस्तों। आधार कार्ड देखिए ओरिजिनल यहाँ पे लिया गया है एंड आल्सो सेल्फ अटेस्टेड फोटो कापी। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ड्यूरिंग द सर्टिफिकेट विल बी अलाउड फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन विच विल बी हेल्ड ऑन द सब्सिक्वेंट ड्यू एज पर शेड्यूल मेंशन अंडर द मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एज पर प्रीवेलिंग मेडिकल एग्जामिनेशन रूल्स अवेलेबल एट कैरियर्स पेज www.vijastil। तो यहाँ पे आपको देखिए पूरा आपको जो है यहाँ पे प्रोसीजर दिया हुआ है, तो आप जाके इस वेबसाइट पे करियर के ऑप्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए वेबसाइट है www.vijastil.com पे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ समझने को मिल गया होगा, बट अगर कुछ डाउट्स रह जाएंगे तो अभी आप वीडियो के नीचे जो है हमें कमेंट के बारे में पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट्स सीधा डायरेक्टली आपको क्वेश्चन का आंसर देके भी क्लियर कर देंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी एक नई अपडेट के साथ।